पूरे मामले में खुलासा हुआ है। ईडी की शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिंसा के लिए पीएफआई के पास रकम आई, मॉरिशियस से 50 करोड़ आए हैं। आरोपी से पीड़िता के भाई की 100 से ज्यादा बार बातचीत हुई है, 5 महीने में 100 बार से ज्यादा बातचीत हुई है। तो कई खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। हाथरस कांड में एक नया ट्विस्ट हम इसे कह सकते हैं। दिल्ली दंगों में शामिल रहा है पीएफआई और पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। हाथरस के बहाने जातीय हिंसा की साजिश आखिर कौन रच रहा है, ये एक बड़ा सवाल। 5 महीने में 100 बार बातचीत हुई है आरोपी से पीड़िता के भाई की, मॉरिशियस से 50 करोड़ आए हैं। ईडी की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है हिंसा के लिए पीएफआई के पास ये रकम आई है। विजय नंदन जी हमारे साथ स्पेशल करेस्पॉन्डेंट जुड़ चुके हैं अधिक अपडेट्स के लिए। विजय जी, हाथरस के बहाने जातीय हिंसा की साजिश आखिर कौन रच रहा है, ये एक बड़ा सवाल। ईडी की रिपोर्ट में भी बहुत खुलासे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए करिश्मा, हाथरस की जो घटना है उसको लेकर पिछले 15 दिनों से जो देश में बवाल मचा हुआ है, ये राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। इस बीच यूपी पुलिस और ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश में लगा हुआ था। यूपी पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं, 4 से ज्यादा कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से भड़काऊ साहित्य और यूपी में सोशल मीडिया के जरिए, वेबसाइट के जरिए कुछ ऐसी चीजें डालने की कोशिश थी जिससे कि हिंसा भड़के, जातीय हिंसा भड़के। तो एक बड़ा खुलासा इस हाथरस कांड में सामने आया है। इसके साथ ही एक नई बात भी यूपी पुलिस ने कही है कि जो पीड़ित परिवार है उसके जो कुछ परिजन है, जो पीड़ित लड़की थी, जो मृतक लड़की है, उसके भाई की बात आरोपियों से पिछले 4-5 महीने से हो रही थी। ये एक बड़ा खुलासा इस केस में सामने आया है। चलिए, तो यानी कि ये मान सकते हैं कि अभी और भी पेंच हैं जो इसमें फंसे हुए हैं जिसका खुलासा अभी किया जाएगा, लेकिन जो 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं ये माना जा सकता है कि थोड़ा नेटवर्क बड़ा भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसमें एक बड़ा अपडेट ये भी है कि आरोपी से पीड़िता के भाई की 100 से ज्यादा बार बातचीत हुई है। इस पूरे मामले में अभी पुलिस संज्ञान लेंगी, लेकिन ईडी की शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंसा के लिए पीएफआई के पास ये रकम आई है। तो हाथरस को लेकर जिस तरीके से सियासत इस वक्त गरमाई हुई है वो अफसोसजनक भी इसलिए है क्योंकि ये पीड़िता की मौत का सवाल है, और जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो काफी ज्यादा संवेदनशील ये पूरा मामला, लेकिन अब इस पर सियासत काफी गरमा रही है।